हेलो दोस्तों, सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल है जनाब? बढ़िया, चलो मेरा भी एकदम झक्कास। दोस्तों, इस दुनिया में सब कुछ अनोखा है, यहाँ तक कि फल और सब्जियां भी। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि फल और सब्जियों में ऐसा क्या अनोखा है, तो आपको बता दूं कि कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इतने बड़े होते हैं कि आप उन्हें ठीक से उठा भी नहीं सकते। क्या आपने 200 किलो का कद्दू कभी देखा है, या आपने 50 किलो से भी ज्यादा वजन के नींबू के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा भाई, कोई बात नहीं, आज हम आपको दिखाने ही जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में दुनिया की सबसे बड़ी सब्जियों से लेकर सबसे बड़े फल दिखाने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 10। वेल दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्वीट पोटैटो का सबसे बड़ा साइज कितने किलो का अब तक का हुआ है? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं। जी हाँ, ये 18.2 पाउंड यानी कि 8 किलो 300 ग्राम के आसपास का था। आप सोचिए कि 20 से 30 ग्राम का एक नॉर्मल स्वीट पोटैटो होता है, और कहाँ ये 8 किलो से ऊपर का निकला। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये काम साउथ कैरोलिना के एक परिवार ने करके दिखाया है। नंबर 9। वेल दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा प्याज। जी हाँ, जब भी घर में नॉनवेज बनता है तो प्याज की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि इस प्याज के नाम भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और ये करके दिखाया है ग्लोवर नाम के एक फार्मर ने। जी हाँ, ये देखिए इनके प्याज का साइज। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 18 पाउंड यानी कि 8 किलो 200 ग्राम का है। क्या बात है, क्या किसी ने सपने में भी सोचा होगा कि कोई अनियन इतना बड़ा भी हो सकता है? क्या किसी ने इमेजिन भी किया होगा कि कोई प्याज इतना हट्टा कट्टा हो सकता है? क्या बात है, इसे देखने के बाद साफ साफ लग रहा है कि ये बहुत ही स्पेशल तरीके से बड़ा किया गया है कि नहीं दोस्तों? नंबर 8। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं इस दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा पत्ता गोभी। जी हाँ, इस सब्जी को तो हर कोई खाता ही है। आपने भी मार्केट से कई बार पत्ता गोभी खरीदी होगी, लेकिन क्या आपने 138 पाउंड यानी कि 63 किलो का पत्ता गोभी कभी देखा था? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये हमारे देश में नहीं बल्कि ब्राजील के एक किसान ने अपने खेत में 3 साल की लगातार मेहनत के बाद उपजाया। वाकई में कहावत 100% सच है कि आपको वही काम करना चाहिए जिस काम को करते हुए आपका मन लगता है, उसके बाद तो रिकॉर्ड्स खुद ब खुद ही बनते चले जाते हैं, है कि नहीं दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए इस पत्ता गोभी को, और याद रखिएगा इसे तब तक की जब तक कि इससे बड़ा कोई मार्केट में नहीं आता। उसने सबसे ज्यादा परेशानी किसान को तब आई जब इस पत्ता गोभी का एक खरीदार मिला, लेकिन उसके घर तक इसे कैसे लेकर जाएं? ये एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब था। देखिए ना कितनी परेशानी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है इस किसान भाई के लिए कि इस पत्ता गोभी की मदद से इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। नंबर 7। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि किसके नाम है दुनिया का सबसे बड़ा टमाटर उपजाने का रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीर है स्पेन की, और इस शख्स का नाम है डैन मैककॉय। इन्होंने ही दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत टमाटर पैदा करके दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, इस टमाटर का वजन है तकरीबन 5 किलो। जी हाँ, ये इतना बड़ा है कि इसे देखकर आपके होश ही उड़ जाएं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप किसी भी चीज के लिए मेहनत करो तो आपको सक्सेस जरूर मिलती है, और आज देखिए ये कितनी आगे निकल गई है। क्या आपने अपनी लाइफ में कभी इतना बड़ा टमाटर देखा था क्या? लेकिन जो भी कहिए, डेन और उनकी टीम को दुनिया के सबसे बड़े टमाटर को उपजाने के लिए भाई बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, वाकई में शानदार काम है। अच्छी बात तो यह है कि उसके बाद से डैन के पास बहुत सारे ऑफर्स आने लगे। लोगों का कहना था कि जो इन्होंने करके दिखाया है वो शायद आगे किसी से संभव ना हो सके, और लगता है कि ये रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम रहने वाला है आने वाले कई सालों तक। दोस्तों, ये नज़ारा कमाल का है। ये देखिए कितना बड़ा टमाटर है, ये कितना लाल भी है। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर इस तरह का टमाटर मार्केट में लॉन्च हो गया तो बहुत जल्दी छोटे छोटे टमाटर का जमाना चला जाएगा। नंबर 6। वेल दोस्तों, अब हम आपको ये भी बता दें कि अब तक का सबसे बड़ा पाइनएप्पल कितने किलो का हुआ है। जी, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिस्टीन मक्कलम ने 2011 में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए ये कीर्तिमान अपने नाम कर लिया था। कहते हैं कि इन्होंने 2011 में तकरीबन 9 किलो का पाइनएप्पल उपजा दिया। कई लोगों को इस बात की प्रामाणिकता पर हो सकता है कि शक हो, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सच है, और क्रिस्टीन मक्कलम के द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड आज भी इन्हीं के नाम पर दर्ज है। कई दूसरे फार्मर्स इनके आसपास पहुंचे जरूर, लेकिन रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सके। ये बताते हैं कि इन्हें पाइनएप्पल बहुत पसंद है, और ये अपने गार्डन में इसे लगाती थी। वो कहते हैं ना कि जिस चीज का आपको शौक है उसको वही काम करने दिया जाना चाहिए, इससे क्रिएटिविटी खुद ब खुद आ जाती है। यही नजारा दोस्तों हमें यहाँ भी देखने को मिला है ना कमाल का पाइनएप्पल। नंबर 5। वेल दोस्तों, ग्रेपफ्रूट खाना किसे पसंद नहीं होता, सबको ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम किस साइज का आपने अब तक ग्रेपफ्रूट देखा है, तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों, आज हम आपको दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेपफ्रूट दिखाते हैं। जी हाँ, इसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, इसका साइज बिल्कुल उतना ही बड़ा है जितना कि एक बास्केटबॉल का होता है।
जी हाँ, ये शॉकिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन दोस्तों यही सच्चाई है। ये देखिए यहाँ का नजारा, ये कितना विशाल है। इसकी सर्कमफेरेंस है 29 इंचेस की। दोस्तों ब्राजीलियन कपल ने इसे इतना बड़ा बना दिया है कि सब देखते ही रह गए। जी हाँ, ये दिखने में स्पेशल लग रहा है। नंबर 4। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े केले का रिकॉर्ड किसके नाम है। जी हाँ, ये है स्पेनिश फार्मर जिनका नाम है मैनुअल कबाना, जिन्होंने 2001 में सबसे बड़ा केला उपजाया था। कहा जाता है कि मैनुअल ने केले को लेकर बहुत स्टडी की है और ये जानते हैं कि कैसे बेस्ट तरीके से इन्हें ग्रो करना चाहिए। आज के दिन में ये कई बड़े बड़े एग्रीकल्चर कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए जाते हैं। इन्होंने बताया कि सोयल के इम्पोर्टेंस के अलावा भी कई और ऐसी चीजें हैं जिस पे ये डिपेंड करता है कि आपको कितने बनानास मैक्सिमम एक बंच से मिल सकते हैं। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि एक बंच में 473 केले उपजाए थे इन्होंने। दोस्तों हम और आप बहुत लकी होते हैं जब एक बंच में 10 केले निकल जाते हैं, यहाँ 473 केले देखे, क्या बात है। नंबर 3। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कद्दू कितने किलो का था। जी हाँ, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि ये 766 किलो का था। दोस्तों अमेरिकन फार्मर रॉन वॉलेस के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है। आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने एक या दो बार नहीं बल्कि 4 बार सबसे बड़े कद्दू को उपजाने का अवार्ड अपने नाम किया है। दोस्तों क्या आप जानते हैं आज के दिन में इस कद्दू की एक सीड की कीमत $100 है। जी हाँ, तकरीबन 8000 इंडियन रुपए। कहते हैं कि इन्हें पंपकिन उपजाने का हमेशा से ही शौक था और जिस तरह से इन्होंने इसके लिए मेहनत की है वो शानदार है। आप देखिए कि इनकी मेहनत रंग लाई और वो भी 4-4 बार। कहा जाता है कि इनके पंपकिन को देखने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से लोग आते हैं। कई बार तो इन्हें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर भी बुलाया गया है। कमाल का काम करके दिखाया है इन्होंने। नंबर 2। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लेमन। जी हाँ, ऐसा नींबू जो कि है सबसे अलग। जी हाँ, इस नींबू को आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हद से ज्यादा बड़ा दिख रहा है। जानते हैं इसका वजन कितना है। जी हाँ, ये है 6 किलो के आसपास का। कहा तो ये भी जाता है कि इस तरह के नींबू को उगाना सबसे कठिन काम है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि इसराइल के किसान आहरन शमोल ने इसे उपजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और वो भी 2013 में ही। तब से आज तक कोई भी इनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। नंबर 1। आपको अगर याद हो तो जब हम गर्मी के महीनों में तरबूज खरीदने जाते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 किलो का होता है। जी हाँ, जानते हैं कितने किलो का है। दोस्तों ये है 159 किलो का। क्या आपने कभी सोचा था कि कोई तरबूज इतना बड़ा भी हो सकता है। लेकिन सोचिए कि 159 किलो का तरबूज भी हमारे बीच आ चुका है और वो भी 100% ऑर्गेनिक। दोस्तों आपको बता दूं कि इसे उपजाया ब्रिटेन के क्रिस केंट ने। कहते हैं कि इन्होंने इस तरबूजे के लिए दिन रात मेहनत की और ईश्वर ने भी इन्हें एक ऐसा फल दिया जिसकी वजह से इनका नाम दुनिया भर में हो गया। आपको बता दूं कि 2013 में क्रिस केंट को इस वाटरमेलन के लिए अवार्ड भी दिया गया। कमाल की बात है वाकई में। दोस्तों इस तरह से फल को इतना बड़ा करना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज की जरूरत पड़ती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड बाय बाय मेरी जान।